जी न्यूज पटेल के दर्शकों नमस्कार। गंगापुर सिटी के हॉस्पिटल में एक मारपीट का मामला आया है। जामा मस्जिद के पास बताया जा रहा है किराएदार ने मकान वाली को पीट दिया। आइए मालूम करते हैं क्या मामला है और गंगापुर सिटी के राजकीय चिकित्सालय में बताया जा रहा है इलाज चल रहा है। गंगापुर सिटी के जामा मस्जिद के पास किराएदार ने मकान मालिक को पीटा और गंगापुर सिटी के राजकीय चिकित्सालय में मकान मालिक का चल रहा है इलाज। आइए मालूम करते हैं क्या घटना हुई थी। ये मकान मालिक है और जामा मस्जिद पर रहते हैं और दुकानदार जो किराएदार दुकानदार है उसने की है मारपीट। क्या नाम है तुम्हारा? अकरम जी क्या बात हुई थी? वो घर दुकान के आगे मट्टी डाल रहा था वो। क्या नाम है आपका? अकरम। अकरम कहाँ रहते हैं? जामा मस्जिद के पास पत्थरौली गली के अंदर। किस बात को लेकर मारपीट हुई? किसने की आपके साथ? ये अफजाल ने मारपीट की थी मेरे साथ। अफजाल कौन है? अफजाल मेरा किराएदार है। जामा मस्जिद पे अफजाल किराएदार है आपका? हाँ किराएदार है। किस बात को लेकर मारपीट हुई? वो दुकान के आगे मट्टी डाल रहा था, उस पर केस चल रहा है, हमने केस कर रखा है उसके ऊपर। अब वो केस होने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करता रहता है वो, कुछ ना मतलब कभी चुनाई करना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। उसको हमने दुकान काम करने के लिए दी है लेकिन वो ऐसा करता है जैसे कोई मकान बना रहा हो, कभी डोली कर लेगा, कभी नाली निकाल लेगा, कभी क्या कर लेगा। केस होने 5 साल से किराया तक नहीं दे रहा है वो और बगल वाली ज़मीन को भी हड़पना चाहता है। इसके पीछे काफ़ी केस है उसके ऊपर। वो घर में घुस के जब हम मेरी वाइफ के ऊपर हमला करा, उसकी गिरफ्तार पकड़ लिया। आप घर को देख के आए, वह घर का वीडियो बना के देख के आओ, घर की क्या हालत हो रही है। कितने बजे की घटना है? ये 7 बजे की घटना है। अभी पुलिस में शिकायत किया हम? हाँ पुलिस ने शिकायत की है। और फिलहाल गंगापुर सिटी के राजकीय चिकित्सालय में इनका चल रहा है इलाज। काय की मारी थी आपने? मुझे एक पाइप की मारी है, 2 मारी, 1 बार जहाँ मारी और 1 बार जहाँ मारी है। बताया जा रहा है कि दुकान मालिक को किराएदार है, उन्होंने मारपीट की है और इनका चल रहा है राजकीय प्रेग्नेंट लेडीज पे भी उन्होंने गिरफ्तार पकड़ लिया। राजकीय चिकित्सालय में चल रहा है इनका इलाज और फिलहाल इन्होंने कोतवाली पुलिस में शिकायत की है। जी कोतवाली पुलिस में की है शिकायत और पुलिस कर रही है मामले की जाँच।